गाइस, आप लोग ना काफी ज्यादा स्मार्ट हो, मतलब टाइटल देखकर ही समझ जाते हो कि वीडियो किस बारे में है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले ना जान लेते हैं एक क्विक स्टैट। दुनिया में आज के डेट में करीब 775.28 करोड़ लोग रहते हैं। उनमें से करीब 5.7 बिलियन लोग स्मार्टफोन यूज करते हैं। उनमें से 4.66 बिलियन लोग इंटरनेट यूजर्स है। एंड ऑन एन एवरेज हर इंसान साल भर में 2190 घंटे फोन पर ही लग रहते हैं। तो जो नेक्स्ट टाइम जब भी मम्मी ताना मारेगी ना, इस वीडियो को जरूर दिखा देना। और जो लोग आईफोन लेके ज्यादा फ्लॉन्ट मारते हैं उनको ये बता देना कि दुनिया के जितने भी स्मार्टफोन यूजर्स हैं उनमें से करीब 71.09% लोग एंड्रॉइड यूजर्स हैं। और इसके चलते एंड्रॉइड बन जाता है दुनिया का सबसे पॉपुलर स्मार्टफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। लेकिन अंकल बेन कहते थे ना, ग्रेट पावर्स कम्स विद ग्रेट रिस्पांसिबिलिटीज। तो ठीक वैसे हम एंड्रॉइड यूजर्स का भी एक बड़ा रिस्पांसिबिलिटी यहां पे बन जाता है, अपने प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी का ध्यान रखना, क्योंकि हैकर्स का नंबर वन टारगेट हमेशा एंड्रॉइड यूजर्स ही बनते हैं। लेकिन क्या इस बात का ध्यान हम सब ठीक से रखते हैं? नहीं। और रखेंगे भी कैसे, हम लोगों को पता भी नहीं होता कि इसका ख्याल कैसे रखें, है ना? बट डोंट यू वरी, इस वीडियो को जरूर ध्यान से लास्ट तक देखना, तभी आपको सब कुछ पता चल जाएगा इस वीडियो में। तो अगर यहाँ पे ख्याल रखने के बारे में बात चल रहा है तो ऑब्वियसली हमें ये पता होना चाहिए कि क्या क्या मिस्टेक्स हमसे हो रहा है जिस वजह से हैकर्स को लूपहोल मिल जाते हैं हैक करने के लिए, ठीक है ना? तो ये रहे 8 मिस्टेक्स दैट जाने अनजाने वी आर मेकिंग ऑन आवर एंड्रॉइड स्मार्टफोन व्हिच मे हेल्प स्कैमर्स और हैकर्स। तो फिर से बातों में इंट्रो बताना भूल गया। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आकाश और आप देख रहे हैं टेक्निकल्स का यूट्यूब चैनल। स्टार्ट करते हैं वीडियो को, लाइक कर देना। सो मिस्टेक नंबर 1, डू नॉट अनइंस्टॉलिंग ब्लोटवेयर। एंड्रॉइड स्मार्टफोन्स पे वाइड रेंज ऑफ ब्रांड्स रहते हैं एंड अलग अलग ब्रांड्स मार्केट पे कम्पीट करने के लिए अपने फोन्स में अलग अलग अच्छे अच्छे फीचर्स डालते ही रहते। और ऐसे में कुछ ब्रांड्स अपने फोन्स में अच्छे अच्छे फीचर्स के साथ ही साथ कुछ अनचाहे मेहमानों को भी पैक कर देते हैं, जिन्हें हम ब्लोटवेयर कहते हैं। बेसिकली ये प्री इंस्टॉल्ड एप्स होते हैं और हम में से कुछ हम्बल लोग ऐसे ही इन एप्स को रहने देते अपने फोन में। लेकिन ये एप्स ना फालतू में स्टोरेज को खाता रहता है एंड फोन्स के परमिशंस को भी लेकर रखता है और यहाँ पर फोन की स्टेबिलिटी का रिस्क हो जाता है। तो जब भी फोन खरीदो ना, ब्लोटवेयर्स को तुरंत अनइंस्टॉल कर दो, अपने फोन के बोझ को थोड़ा कम कर दो यार। मिस्टेक नंबर 2, लूजिंग योर फोन। देखो, हम में से कुछ लोगों का भूलने की आदत रहता है, इंसानी तो है, भूलना तो बनता है, और जिसमें कोई बुराई तो वैसे है नहीं, बस फोन ही तो गुम जाता है ना। खैर, हमारे फोन में हमारे सबसे पर्सनल डेटा स्टोर्ड रहते हैं और हमें हमारे फोन से ज्यादा कोई नहीं जानता। तो फोन अगर गुम जाए या फिर चोरी हो के किसी गलत हाथों में पहुंच जाए, तब तो और भी बड़ा रिस्क हो जाता है। आपका सारा डेटा, आईडी, पासवर्ड्स वगैरह लीक होने का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। तो फिर इसको प्रिवेंट करने के लिए हमें हमेशा अपने फोन पे गूगल फाइंड माई डिवाइस सर्विस को ऑन रखना चाहिए, ताकि अगर खो भी जाए तो फिर मिलने का थोड़ा चांस तो रहेगा ना। और अगर फोन खो जाता है तो फिर तुरंत हमें जितने भी सोशल मीडिया, गूगल अकाउंट या जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के पासवर्ड्स हैं उनको चेंज कर लेना चाहिए। इससे डेटा लीक का रिस्क थोड़ा कम हो जाता है। इसी के साथ ही साथ मिस्टेक नंबर 3, फॉरगेटिंग अनइंस्टॉलिंग अनयूज्ड एप्लीकेशंस। कभी कभी हम किसी किसी एप्स को इंस्टॉल तो करते हैं लेकिन काम खत्म हो जाने के बाद अनइंस्टॉल नहीं करते हैं और ऐसे ही छोड़ देते हैं और वो एप्लीकेशन अकेले पड़े पड़े बैकग्राउंड पे रन करता रहता है, डेटा लेते रहता है। और अगर वो एप्लीकेशन काफी सारा परमिशन लेके रखा है, देन उस ऐप के पास आपके फोन के काफी सारे चीजों के एक्सेस रह जाते हैं, जो कि ऑब्वियसली बिल्कुल भी सही नहीं है। तो इसीलिए अगर आप कोई ऐप इंस्टॉल करने के बाद आप उसको यूज नहीं करते या उनका यूज खत्म हो चुका है, जस्ट ग्रो अप डूड, छोड़ दो उसको, अनइंस्टॉल कर दो। इससे स्टोरेज भी बचेगा और फालतू में कोई रिस्क भी नहीं रहेगा। देन मिस्टेक नंबर 4, डू नॉट अपडेटिंग आवर पासवर्ड्स। हम में से काफी सारे लोग ये मिस्टेक करते हैं कि गूगल या दूसरे ऑनलाइन जितने भी प्लेटफॉर्म्स हैं उनके पासवर्ड्स हम रेगुलरली चेंज नहीं करते। ये प्रिकॉशन वैसे हर एक जगह आजमाना चाहिए, लाइक अपने फोन या फिर लैपटॉप्स के पासवर्ड भी हमें चेंज करते रहना चाहिए, क्योंकि एक रिस्क रहता है लाइक फिशिंग अटैक्स या फिर मान लो कि किसी दूसरे डिवाइस पर आपका अकाउंट लॉग्ड इन है या बहुत दिन से यूज कर रहे हो एक ही पासवर्ड, तो अगर वो किसी वजह से लीक हो गया तो फिर ऐसे में आपका अकाउंट बिल्कुल भी सेफ नहीं है। एंड हमें हर 3 महीने में पासवर्ड्स को रेगुलरली चेंज करते रहना चाहिए। एक सेफ्टी गाइडलाइन है जो कि हम सबको मानना चाहिए बट हम नहीं मानते। अगला भी एक कॉमन मिस्टेक है जो हम हमेशा करते रहते हैं, मिस्टेक नंबर 5, डाउनलोडिंग एप्स फ्रॉम अननोन सोर्सेस। अगर आपको एपीके फाइल्स या फिर एप्स कैसे काम करते हैं इस बारे में ज्यादा कुछ पता है नहीं, देन आपके लिए एडवाइस यही रहेगा कि आप प्ले स्टोर के बाहर के थर्ड पार्टी एप्स को अपने डिवाइस पे इंस्टॉल ही ना करो, क्योंकि मैक्स ऑफ द टाइम वो सेफ नहीं होता आपके फोन या फिर आपके प्राइवेसी के लिए, एंड गूगल से वो अप्रूव्ड भी नहीं है, तो हो सकता है कि उनमें बहुत से प्रॉब्लम्स हैं या वो सेफ्टी गाइडलाइंस को ठीक से फॉलो ही नहीं कर रहे। तो ऐसे में सही होगा कि उन एप्स को इंस्टॉल ही ना किया जाए। तो इसी को ध्यान में रखते हुए लेट्स मूव ऑन टू द मिस्टेक नंबर 6।
6. Forget to turning off app installation from unknown sources. तो अगर मान लो आप Play Store के बाहर के third party apps को आप install भी करते हो, then उनको install करने के लिए आपको पहले एक permission को confirm करना पड़ता है, जिसका नाम है app installation from unknown sources. लेकिन most of us installation के बाद उसको off ही नहीं करते हैं, जिसके चलते एक और risk बन जाता है unknown sources से automatic malware, spywares का install हो जाना. और ये सच में आपके phone का data and आपके personal informations के लिए एक बड़ा threat साबित हो सकता है. और इसी चीज की अगर बात करें तो फिर आ जाता है mistake number 7. Do not checking downloaded app list on settings. हम usually internet पे browsing करते वक्त काफी सारे unsafe websites पर चले जाते हैं. You know what I mean. Third party apps या फिर pirated movies को download करने के लिए. वैसे piracy is illegal. आपको करना भी नहीं चाहिए. और ऐसे websites पर viruses, उसके पास spyware, malwares भी रहते हैं, जो चुपके से download होके आपके phone पर install हो जाते हैं. और ऐसे में कुछ spyware के तो icons भी show नहीं करते. तो हमें पता भी नहीं चलता. तो हमेशा अपने downloaded apps के list को check करते रहना चाहिए. और अगर कोई undercover agent देख भी जाए, तो देखते ही तुरंत अनइंस्टॉल कर दीजिएगा. और सबसे आखिर में लास्ट बट नॉट द लिस्ट मिस्टेक नंबर 8, जो कि है डू नॉट चेकिंग परमिशंस रिक्वायरमेंट्स बिफोर इंस्टॉलिंग एप्स. तो हमें हर वक्त जल्दी रहता है खाने की, पीने की, काम करने की, या हर कोई ऐप इंस्टॉल करते वक्त हमें बस ऐप इंस्टॉल करना है और जल्दी से उसको यूज करना. तो ऐसे में हम इसके परमिशंस रिक्वायरमेंट्स को ढंग से नोटिस ही नहीं करते एंड धनाधन परमिशंस देते रहते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी गलती हो सकता है. और ऐसे में कभी कुछ ऐप्स को कुछ बड़े ही इंपॉर्टेंट चीजों के लाइक लोकेशन, मीडिया व्यू, ऐसी चीजों के परमिशंस दे देते हैं. हम सोचते भी नहीं कि उस पर्टिकुलर एप्लीकेशन के लिए वो वाला परमिशन इंपॉर्टेंट है भी कि नहीं. तो इन चीजों का थोड़ा ध्यान रखिएगा, सेफ रहिए, सावधान रहिए, ठीक है. बाकी कमेंट करके बताना कि आपको आज का ये वाला वीडियो कैसा लगा. ऑफ कोर्स ये बहुत ही ज्यादा एक इंपॉर्टेंट वीडियो है. और कौन कौन से मिस्टेक्स आप डेली करते हो वो आपको आज पता चल गया होगा. बाकी कमेंट करके बताना कि आपको ऐसे टाइप के और भी वीडियोस चाहिए फ्यूचर में, तो फिर हाँ लिख देना, लाइक रिक्वेस्ट कर सकते हो. बाकी इस वीडियो को जरूर शेयर करना, क्योंकि चैनल का रीच थोड़ा कम हो गया है, बढ़ाना है इसको, ठीक है ना. और हाँ, जिम्मे को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज सब्सक्राइब करें. मिलता है वीडियो के साथ. सो गुड बाय.